हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकास व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग भी काफ़ी खास होगा, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। सो आज होने वाली ग्रॉसरी शॉपिंग, आप लोगों ने बहुत बोला था, ग्रॉसरी शॉपिंग का बहुत सारा कमेंट आया था। सो आप लोगों के बोलने पे मैं आज बनाने वाली हूँ ग्रॉसरी। सो पहले मम्मी से लिखवा लेते कि मम्मी के क्या क्या लेकर आना है घर का सामान, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो हम और मेरी बहन जाकर ले आएंगे। सो गाइस, मासी ना मेरी बहन के लिए गाना गाई है, चल बजा। तो मासी आप वीडियो देख लेना, चालू करो। ओहो ओहो, और वो इसलिए वाह 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 वाह, हम स्टेटस लगाए थे दो तो अपने फोटो का, उसी के लिए वो गाई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे। और जो अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, मम्मी आपको जो भी चाहिए घर का सामान सब एक पेपर में हमको लिख के दे दो, ठीक है? टॉफी लिख देगी, आप बताता रहो, ठीक है? लेके आ, लेके डायरी, हम ही लेके आ डायरी भी, हम सब हम ही लेके आए, हम नहाए नहीं। गुची यहाँ पे खेल रहा है, ये देखो गुची ने अपना टॉय का हालत क्या किया। गुची एक बार दिखा दो बेटा, ये देखो क्या किया, देख रहे हो आप, काट फाट के ले लो। गाइस ये देखो मेरी बारबी वाली डायरी, इसमें मैंने ना पता है गाना लिखा है, एक स्टोरी लिखा है और एक गाना लिखा है। ये मैं ना गाना गाऊंगी बहुत जल्दी, मेरा गाना भी आने वाला है। लिखी तुम हो, डायरी तो मेरा था ना भाई, माथा डायरी तुम्हारा था, डायरी किसका था? मेरा डायरी था, पता है? नहीं, मेरा था। बाप रे, मेरा डायरी में लिख के बहुत होशियार समझ रही है। बस बस बस, मुझको गिफ्ट मिलने लग गया तो बस हो गया खत्म। बर्तन मलने और नहाने का साबुन, अरे भाई हिंदी में लिखोगे क्या पूरा बायोडाटा? बर्तन मलने का साबुन, बाप रे कितना, हम लिख देते, तुम मत लिखो भाई बर्तन मलने का साबुन। अरे मैं नाइटिंग गंदा हो गया, छह पट्टी नहाने का लिखो, लिख दिया बैठी हूँ। देखो यो गुड मॉर्निंग सरफ, सरफ सरफ कितना, 5 kg, 10 kg पहले लाई थी ना। इसको लिखना नहीं आता, बाप रे इसका राइटिंग देखो 30 जैसा यार, पूरा पूरा डायरी का क्या कर दी देखो मम्मी यार, क्या की हुई है तुमको, पढ़ाई लिखाई नहीं आता है क्या है ये सब? देखो मैं क्या लिखी है, बाटर और नाने का सब्बू सिरफ मैगी, बाप रे क्या लिखती है मम्मी, हम लिखते हैं छोड़ो, हम लिखेंगे गाइस। आज मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ, सो ये गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट आउटफिट लगता है मुझे, और इसका जैकेट भी है देखो। फिर तो जल्दी जल्दी करना, बहुत लेट हो रहा है मेरे को। लिपस्टिक नहीं लगाई थी, लिपस्टिक हम लड़कियों की जान है। हम लगा देते, आप लगा दिया मम्मी, बस मेरी मम्मी अगर लगाएगी तो ऐसे ऐसे कर देगी सही में। मम्मी हम लोग जा रहे हैं गुची के लिए, एसी चालू करते ना सो जाएगा, गर्मी बहुत है। लेके आएगी आपके लिए, क्या लेके आए? काजू, काजू काजू खाएगी मेरी मम्मी, बड़ा ड्राई फ्रूट खाएंगी, मोटी हो गया चलूंगी। लगा मेरा मजाक। सबको लगता है कि हम कोलकाता के नहीं है, बाहर से आए हैं। आप बाहर से आए, आप बाहर से आए, ऐसे करते हैं। बाकी ड्रेस बहुत ज्यादा क्लासी और बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना मम्मी, अच्छा लग रहा है ना? अच्छी लग रही है। अच्छा हमको सिखा रही है। जब हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो क्या तुम रेडी हो वीडियो बनाने के लिए? ये मेरी है कैमरा वुमेन, तालिया, एक तालिया तो इसके लिए भी बनता है ना, चलो चलते हैं। तो गाइस ये स्लीपर बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ, तो मैं यही पहनने वाली हूँ। इसको पहनने से मेरे पैर में चोट लग जाती है, बट देखते हैं लगती है। बाय गुची, बाय बाय गुची, बाय बाय गुची। आ रहे हम लोगों को, गाइस बाहर बहुत ज्यादा धूप है, आप देखो यार इतनी कड़ी धूप आ गई है, मतलब इतनी बारिश होने के बाद भी धूप ऐसे आ जाती है ना, क्या बताऊँ। अच्छा हुआ मैंने गॉगल्स वगैरह ले लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, मेरी बहन चल रही है देखो। तो गाइस हम आ गए हैं फाइनली शॉपिंग करने के लिए, पास में मैं रेडी हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, एंड इन लोगों ने कैमरा के लिए मना नहीं किया। पिछले बार आई थी तो मना किया था, फिर भी मैंने बना लिया। तो सबसे पहले मेरे को तेल लेना था, तो डालडा तेल था, तो डालडा नहीं लेके मैंने फॉर्च्यून ऑयल ले लिया घर का खाना बनाने के लिए। सो उसके बाद मैंने ढूंढा कुछ मसाले, मसाले मेरे को पाव भाजी है, एवरेस्ट मसाला, सबका मसाला, तो मैंने चाट मसाला एंड पाव भाजी मसाला लिया। फिर छोले मसाले ढूंढ रही थी तो वो भी मिल गया, एंड यहाँ पे तड़का मसाला मिल नहीं रहा था, तो मैंने दीदी को बोला आप तड़का मसाला ढूंढ के दो, क्योंकि मम्मी बहुत ही टेस्टी तड़का घर पर बनाती है। सो यहाँ
यहाँ पे मैंने राइस लेने का सोचा, बट ये बासमती राइस थी कि नहीं कंफर्म किया, एंड देन फिर बासमती राइस का एक बड़ा पैकेट ले लिया। बासमती राइस खाने में का टेस्ट ही कुछ अलग आता है ना, सो इसीलिए यहाँ पे चॉकलेट्स का पूरा एकदम पूरा गुच्छा गुच्छा दिखा मुझे। यहाँ पे फ्लेवर्स थे ये वाली कोको कोक फ्लेवर एंड ऑरेंज फ्लेवर, मैंने दो लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मस्ती करने लगी। यहाँ पे मेरे को लेना था आपका वो जो क्या बोलते हैं इसको आप लोग फिंगर्स बोलते हो ना, फिंगर लेना था बट नहीं लिया, अच्छी नहीं थी। पास्ता भी था तो पास्ता भी नहीं लिया, घर पे पड़ा था। यहाँ पे देखो राउंड वाले पास्ता, राइस, और राइस को देख के कौन क्या करता है ज़रूर बताना। देखो मैं कोई भी मॉल में जाती हूँ ना तो राइस को देख के ऐसे ज़रूर करती हूँ, राइस को हाथ से हिलाना, फिर हाथ को राइस के अंदर घुसाना, और ये सब चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने राइस खा भी लिया और ध्यान दे रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और चलो अब चलते हैं हम आटा लेने के लिए। आशीर्वाद आटा का, आटा का आशीर्वाद ले लिया मैंने। आशीर्वाद लेके मैंने आटा को लिया और अपने बकेट लिस्ट में डाल दिया। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि यहाँ से जो लेना था हम लोगों ने ले लिया है। सो गाइस अभी तक हमारा ट्रॉली जो है वो भरा नहीं है, ऊपर जाएंगे थर्ड फोर्थ फ्लोर तक एंड उसके बाद भर देंगे ट्रॉली को। तो और क्या क्या सामान लेना सब याद कर लो, बाद में मत बोलना कि ये नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है। टॉफी ये देखो, मेरी बहन और मैं, वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस राइट। चलो आ गया फर्स्ट फ्लोर भाई। सॉस का जब नाम आता है तो किसान सॉस जो है वो काफ़ी फेमस होता है, तो पहले यप्पी लिया। तो मैंने सोचा इस बार मैगी ना लेके यप्पी खाया जाए, तो यप्पी का बड़ा पैकेट ले लिया। तो किसान सॉस लिया मैंने, और भी सॉस आए हुए थे कुछ अनशंड वाले, तो मैंने किसान सॉस ही लेना ज़रूरी समझा। सॉस तो अकेले मैं ही खाती हूँ, घर पर कोई सॉस खाता ही नहीं है। कोई नहीं, अब हम मेरे को लेना था ग्लूकॉन डी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो पापा बाहर धूप में जाते हैं तो उनके लिए ग्लूकॉन डी लिया। एंड उसके बाद आगे जा रही थी देखने के लिए कि और क्या है क्या नहीं, तो यहाँ पे पास्ता के पैकेट, सॉसेस के पैकेट, सूप के पैकेट, कुकीज़ वगैरह एंड रेडबुल दिख गया। रेडबुल देख के मेरा दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो गया। वैसे घर पे तीन रेडबुल पड़ा था, फिर भी मैंने एक पैक ले लिया रेडबुल का। तो रेडबुल लेना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मना किया था, बट फिर भी पी लेती हूँ। तो मैड एंगल देख के और दिल खुश हो गया, तो मैंने एक पैकेट मैड एंगल अचारी मस्ती लिया, बाकी और मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर यहाँ पे हम आए बिस्किट्स एंड केक के सेक्शन में। तो केक ये वेज वाला मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मेरी बहन ने बोला मत ले, मैंने बोला यार मेरी फेवरेट है, ऊपर से वेज है, तो मैंने ये दो पैकेट ले लिया। तो नॉन वेज केक नहीं लिया, वेज वाली केक्स ले लिया ग्रीन वाली। एंड यहाँ पे ये भी था, ये भी नहीं लिया मैंने। कोई नहीं, अब मैं पहुंची केक का शॉप में। तो केक यहाँ पे रेडीमेड चॉकोलावा केक था, बट मैं तो खुद ही होशियार हूँ केक बनाने में तो मैं क्यों लूँ रेडीमेड ना। चलो अब जूस लेते हैं, रियल जूस जो है वो मिक्स फ्रूट जूस था। तो पापा के लिए, पापा को जूस वगैरह पीना काफ़ी पसंद है, तो पापा के लिए मैंने सोचा जूस ले लेते हैं। लीची जूस भी ले लिया दो ठो ऐसा, ये 10 रुपीज़ वाली, एंड ये बड़ी डब्बा भी रियल जूस का ले लिया था। अब सोच रही थी कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं, घर पर कोई मेहमान आए तो कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है। सो मम्मी का फेवरेट फेंटा ले लिया मैंने। देखो मैं बोल भी रही हूँ, ऊपर से वॉइस डाल रही हूँ बिकॉज गाना बज रहा था, कॉपीराइट लग सकता है। मुझे चाहिए था थम्सअप, बट यहाँ पर थम्सअप अवेलेबल था ही नहीं, कोको कोला था, पेप्सी था। कोको कोला और पेप्सी मुझे समझ नहीं आता, आप बताना आपको कोको कोला पेप्सी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना लिमका भी नहीं लिया, बस फैंटा लिया और फिर मैं चल पड़ी। और अब मैं ढूंढने लग गई कि यार कुछ तो मिले मुझे, कैन में ही मिल जाए, पर कैन में भी मेरे को वैसा चीज़ मिला नहीं जो मुझे चाहिए। को याद होगा मम्मी ने बोला था काजू लेके आने के लिए, तो अगर मैं काजू नहीं लाती तो मम्मी मेरे ऊपर डांस करने लगती, इसलिए मैंने मम्मी के लिए प्यारा सा काजू ले लिया। और आगे बढ़ रही थी तो काजू का बिस्किट भी दिख गया, मॉम्स मैजिक, तो इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के काजू रहता, तो मैंने ये बड़ा पैक मॉम्स मैजिक का भी ले लिया। और यहाँ पे देखो ये वाली देखी 2020, मैंने बोला नहीं यार ये ग्रीन वाली ही सही है, इसमें अच्छे से काजू जो है ना भरती रहता है, तो मैंने ये मॉम्स मैजिक ले लिया मम्मी के लिए, अब मम्मी करेगी मेरी मैजिक और भी बिस्किट्स देख रही थी तो मैंने सोचा मम्मी का एक और फेवरेट बिस्किट है वो चीनी वाली बिस्किट, नाइस वाली। तो ये कोकोनट फ्लेवर मम्मी को बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने छोटा नहीं लेकर बड़ा वाला पैक ले लिया। यहाँ पे बहन के लिए पार्ले जी ये वाली मैरी गोल्ड बिस्किट ले लिया, बहन को मैरी गोल्ड बिस्किट बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे आई तो मैंने ना पापा के लिए रस्क बिस्किट ले लिया, पापा को ये रस्क बिस्किट बहुत पसंद है। सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, किसको क्या पसंद है किसको नहीं, है ना, ऐसे ही हमारा घर जो है खुशी से भरा रहता है। सो ये वाली नहीं लेके बड़ा वाला लिया ब्राउन वाली। एंड उसके बाद मैंने सोचा यार नमकीन बिस्किट नहीं दिख रही, मीठा बिस्किट तो ले लिया। तो यहाँ पे टाइम पास ले लिया दिलों के साथ, नहीं यार अपने बिस्किट के साथ टाइम पास करे, है ना। तो यहाँ पे तो पार्ले जी बिस्किट ले लिया, ये भले ही बच्चों का बिस्किट है लेकिन पापा को बहुत टेस्टी लगता है ये बिस्किट। उसके बाद हम निकल चुके थे और शॉपिंग करने के लिए, तो घूम घूम के देखी तो लॉटी चॉकोपाई दिख गया, और ये पता नहीं कौन से फ्लेवर का चॉकोपाई था, तो ये वाला मैंने नहीं लिया। तो मैंने ना ये लॉटी चॉकोपाई लिया बिकॉज ये तो मेरा फेवरेट है, तो अपना फेवरेट का भी मैंने ख्याल रखा यार,
बिकॉज सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ले लिया अपने लिए लॉटी चोको पाई और यहाँ पे और भी चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पे था टेस्टी टेस्टी मैगी का पैक्स, वो भी फैमिली पैक। तो इस बार मैंने मैगी नहीं लिया, मैगी को रिजेक्ट करके मैंने लिया था यप्पी, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो ग्लूकॉन्डी का ऑरेंज वाला डब्बा लिया, कस्टर्ड पाउडर लिया एंड फिर मम्मी के लिए अचार याद आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के लिए एकदम टेस्टी वाला मिक्स अचार ले लिया जाए। छोटा डब्बा नहीं लेकर मैंने मम्मी के लिए एक बड़ा सारा अचार का डब्बा ले लिया। यहाँ पे अचार का डब्बा लिया, और भी मैंगो अचार थे, गार्लिक अचार थे, मिर्ची की अचार थी, बट ये वाला ही लेना ज़रूरी समझा। तो चलो अब शैम्पूस था यहाँ पे, और यहाँ पे ना बहुत सारे कोलगेट्स भी थे। तो ये रेड वाले कोलगेट्स, अच्छा हम लेंगे वाइट वाले कोलगेट, तो वाइट वाला कोलगेट ले लिया। और यहाँ पे थे बहुत सारे पाउडर जो कि बहुत ही मिंट मिंट वाले थे। मम्मी ने बोला था बर्तन धोने वाला साबुन लाने, तो यहाँ पे डब्बा वाला था, एक नॉर्मल प्लेन वाला था, ये स्क्वायर डब्बा वाला था। तो ये सब नहीं लेके मैंने ना 3 packs ऑफ साबुन का वो ले लिया मम्मी के लिए, देखो बर्तन धोने के लिए। तो ये बोला मैंने सही रहेगा, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। मेरी बहन गई थी घूमने फिरने के लिए, ढूंढ ढूंढ के ला रही थी, तो मेरी बहन ने बोला वीवेल का शैम्पू ले लो। मैंने बोला शैम्पू नहीं, सॉरी साबुन ले लो, तो मैंने मना कर दिया, बिकॉज डिटॉल सही रहता है, डिटॉल इज़ बेस्ट, ताकि जर्म्स वर्म्स निकल जाए, और गर्मी भी है तो डिटॉल से नहाओ और खुश रहो क्या। तो मैंने उसको वही ज्ञान दे दिया मेरी बहन को, 2 4 यहाँ पे, कि यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ साबुन थे। तो मैंने डिटॉल का पिंक वाला साबुन ले लिया, ये मेरी बहन ने बोला ये ले इसमें खुशबू आएगी। मैंने बोला ठीक है भाई, तू खुशबू और जर्म्स फ्री वाली ले, सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने भर भर के ऐसे साबुन ले लिया, और ये मैंने बोला ये लेते, बट उसने मना कर दिया, तो नहीं लिया, पिंक वाली लिया मैंने, पिंक मेरी बहन का फेवरेट है। चलो बाय, हमारी शॉपिंग हो गई डन, और फिर हम आ गए कैश का। गुची के लिए भी लेना ज़रूरी नहीं है टॉफी, प्लीज़ मत कर ऐसे, नो गुची गुची। गुची के लिए हम खिलौना लाते रहते हैं, हम बोल रहे गुची के लिए खिलौना लाते रहते हैं, छोड़ना गुची के लिए बाहर से ले लेंगे। बटर तो लेना मैं भूल गई थी, चीज़ मैंने लिया नहीं इस बार, मटर और ये मटर और पनीर का ध्यान मेरी बहन ने लगाया, मैं तो भूल जाती, मम्मी ने बोला था, फिर मम्मी डांटती मुझे, कोई नहीं याद आ गया। तो यहाँ मेरी बहन सारा सामान भर रही थी यार, मैं चाहती थी मतलब कैश काउंटर वाले ये सामान भर दे, या कोई एक साइड में खड़ा रहे जो सामान भरे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ रिक्शा वाले भैया ने बहुत हेल्प मेहनत करके मुझे पकड़ा दिया, बहुत भारी सामान था, भैया ने बहुत हेल्प किया हमारा, हमें बहुत अच्छा लगा। सो भैया का पैर देख के मेरा दिल भराया, बिकॉज भैया इतनी गर्मी इतनी कड़ी धूप में ना पैदल चल रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप देखो, इतनी गर्मी में चला रहे हैं, ऊपर से इन्होंने स्लीपर भी नहीं पहना, ये देखो स्लीपर भी नहीं पहना। तो मैंने कुछ मैंने सोचा है कि रिक्शा वाले जो भैया उनको ना स्लीपर दिला दिया जाए, तो अभी यहाँ पे रुकवाऊंगी और उनको स्लीपर दिला दूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा बुरा। इस अंकल अभी मस्त वाली स्लीपर लेंगे, देखो देखो आप पहन के देख लो अंकल, लो पहन के देखो, फ्री और भी दिखा दो अंकल, तो ये ब्राउन वाली चेक करो आप, ये लो पहन के देखो। इतना मेहनत करते बताओ, एक स्लीपर तो बनता था आपके लिए, अच्छा लगा ना अंकल, है ना कि पैरों में स्लीपर कितना अच्छा लग रहा है, अब गर्मी नहीं लगेगा अंकल आपको, इतना मेहनत करते हो आप। ये भैया के मेहनत के पैसे, और आप लोग भी अगर देखते हो ना कि ऐसे भैया लोग जा रहे होते, तो प्लीज़ उनको स्लीपर या फिर कुछ खाने का खिला दिया करो, थोड़ा बहुत हेल्प करने से यार ये भी खुश हो जाएंगे और हम हमारे दिल को भी खुशी मिलेगी। बैठाना पड़ा बिकॉज मम्मी सारा सामान निकाल रही है, तो गुची को बैठा दी। मम्मी आपका अचार लाए देखो, बड़ा भूम लाया है, खुशी देखो मम्मी का, चावल और अचार क्या बा? क्या वनस्पति चावल, वनस्पति चावल मम्मी बोली थी, सब निकाल लो आप। नहीं गुच्ची पानी पिएगा, गुच्ची रुको पानी दे रहे, रुको पानी पियो, लो लो पानी पियो, पानी पियो, चिल्लाए बहुत हो तुम, पानी पियो। ये रहा हमारा ग्रोसरी शॉपिंग, आप बताना आपको ग्रोसरी शॉपिंग कैसा लगा। तो यहाँ पे सब कुछ ले आई, देखो पापा को है ना ये बिस्किट बहुत पसंद है, गुच्ची चुप बाबू, ये देखो अब फाइनली हम लोग खा रहे हैं खाना, ये देखो मम्मी ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया, लंबी आलू मेरी फेवरेट वाली, और नया अचार खोल रही है, वाह मम्मी वाह मम्मी वाह गजब, आज सिंदूर लगाया आप कितना अच्छा लग रहा है, डेली सिंदूर ही गायब रहता है मम्मी का। चावल वावल खाएगा क्या गुच्ची, गुच्ची को भी खाना खाना, देखो खाना खा रहा है, अरे मेरा बच्चा, ये मिक्स अचार खा के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, इसलिए मैंने बड़ा ले लिया बिकॉज मम्मी का फेवरेट है ना मम्मी। तो गाइस अब बारी आप लोगों के कमेंट्स प्यारे प्यारे पढ़ने के, सर चलो पढ़ते हैं।
इतने पैसे खर्च करती हूँ, स्कूटी नहीं ले सकती अपने लिए। देखो स्कूटी तो मैं ले सकती हूँ, पर दिक्कत क्या है कि मेरे मॉम डैड को डर लगता है यार कि मैं अगर स्कूटी लूँगी, क्योंकि कोलकाता का रोड आप जानते हो काफ़ी बिजी रोड रहता है, एंड बस तो ऐसे जाता है हवा में उड़ के कि किसी को भी उड़ा के चलता है, और बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। बट कोई नहीं, स्कूटी के लिए मैं सोचूंगी, बाकी और भी अच्छा चीज़ मैंने सोचा है, अभी नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा अलकादी अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑलवेज कीप इट अप माय ऑलवेज फेवरेट अलकादी। देखो हेटर्स मेरे हेटर्स नहीं हैं, वो लोग सच में मेरे चाहने वाले हैं, क्योंकि वो लोग अगर मुझे कुछ बोल रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो उनको रिप्लाई करना भी बनता है। कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अब पढ़ते। आप हर एक फंक्शन में सब्सक्राइबर मिल जाते हैं क्या? वीडियो बनाने के लिए दाल में कुछ काला है दीदू? दाल में काला कुछ भी नहीं है। अब सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, जिनको जो लोग मिलते हैं उनको पता है दिल से कि कितने अच्छा लगता है उनको भी और मुझे भी। सो मिल जाते हैं, और पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छा व्लॉग करते हो अलका दीदी, मुझे आपके सब वीडियो अच्छी लगती है। आप बीकानेर आए थे, आपसे मैं मिल नहीं पाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा इतना मन था आपसे मिलने का, बट नेक्स्ट टाइम आप बीकानेर आना तो मिलना ज़रूर। देखो बीकानेर अब नेक्स्ट टाइम कब आना होगा आप पता नहीं, लेकिन मैं आऊँगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप लोग मुझसे मिलने आ पाओगे, ठीक है। आप बैकुंठनाथ मंदिर के पास रहते हो ना, आई वॉन्ट टू मीट यू बिगेस्ट फैन, आई एम इन क्लास 7, प्लीज अप्लाई, ठीक है। जब एक दिन मैं मीटअप रखूँगी, जब मेरे 5 लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तब मैं मीटअप रखूँगी, तब आप लोग सबसे मिलूँगी ज़रूर, ठीक है। चलो और क्या और क्या और क्या, रुको और भी पढ़ती हूँ। आप ऐसे ही बहुत मेहनत करिए, क्योंकि आप मेहनत करने से आपके मम्मी पापा का नाम होता है। आप सबके बातों को इग्नोर करिए, खुद का पैसा कमाएं, क्योंकि अपनी कमाई के पापा मम्मी को खुश करने के अलग ही सुकून है। इसलिए आप सबकी बातों को इग्नोर करें और बहुत सारा मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू, सो थैंक यू सो मच। देखो मेहनत करना मैंने शुरू से ही सीखा है, मतलब बचपन से ही, पहले टिकटॉक पे, फिर इंस्टाग्राम पे, एंड देन यूट्यूब पे, मैंने शुरू से ही जीरो से स्टार्ट किया है, किसी का हेल्प नहीं लिया है आपको बताया था, पर हाँ सपोर्ट करने के लिए मैंने बताया कौन कौन मेरे साथ थे कौन नहीं। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे जहाँ तक हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ, तो आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहना, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यार इंटरेस्टिंग वीडियो डाला करो, सबके कमेंट्स को पढ़ा करो प्लीज़, कुछ कुछ की ही नहीं कमेंट्स, ठीक है। मैं इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूंगी। सो देखो डेली मैं जो डालती हूँ, मतलब जो भी करती हूँ मैं वीडियो में सब डाल देती हूँ, एंड अब किसी दिन कुछ नहीं करती हूँ तो नहीं डालती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत मुझे भी समझना। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना।